अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नेमत रहमान असदी है और मैं एज ए डायबिटीज एजुकेटर जो है अलमसरा ट्रस्ट एंड डायलिसिस सेंटर में जो है खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज जो है ये हमारी बॉडी का जो है डिसऑर्डर है, जो हमारी बॉडी के अंदर पेनक्रियाज होता है, या तो वो इंसुलिन कम मिकदार में बनाता है, या इंसुलिन बनाता ही नहीं है, या तो इंसुलिन बनाता है लेकिन बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर शुगर की मिकदार जो है बढ़ जाती है। तो बढ़ने के अलामात जो होते हैं, जिसमें जो है बार बार प्यास का लगना, या बार बार यूरिन का आना, बॉडी पेन, बार बार भूख का लगना, या भूख का खत्म हो जाना। अब इसके मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, जिसमें टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। इसके कंट्रोल के लिए जो है, जिसमें डाइट जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम बेकरी आइटम जो है मना कर देते हैं, बेकरी आइटम नहीं लेने चाहिए, इसमें तली हुई चीज़ें बहुत नहीं लेनी चाहिए, तमाम सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट शुगर कंट्रोल करने के लिए जो है वॉक है। शुगर शुगर बढ़ने के नुकसान जो है उसमें होता क्या है कि आई साइड पे इफेक्ट होती है, इस तरह हार्ट पे इफेक्ट होता है, पैरों पे इफेक्ट होता है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मैं अपनी शुगर जो है कंट्रोल रखना है, और कंट्रोल के लिए सिर्फ मेडिकेशन है, इसके साथ डाइट, वॉक, फिजिकल एक्टिविटी ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और मैं यहाँ पे जो है बुध और जुम्मे के दिन बैठता हूँ, जिसको भी अपनी डाइट और अपने जो है मेडिकेशन के हवाले से, इंसुलिन टेक्निक के हवाले से यहाँ आके जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।